गाइस, वेलकम टू द चैनल। और मैं इस वक्त हूँ कैप्सूल ट्रांजिट हॉस्टल पे। ये है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, एक हॉस्टल जैसा है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सुंदर है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे डबल ऑक्यूपेंसी का भी ऑप्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आप मेरे ऊपर देखोगे तो ये सारे जो बेड्स हैं इसमें दो लोग रह सकते हैं, तो उसका भी प्राइस मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो अभी मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रहा हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के यूजुअली टू ऑक्यूपेंसी है, डबल शेयरिंग रूम है जैसे कि ये है। तो यहाँ पे अगर आप दो लोग हो या कपल लोग रहो तो आप लोग भी इधर स्टे कर सकते हो। तो ग्राउंड फ्लोर पे यूजुअली सिंगल रूम है और फर्स्ट फ्लोर पे ट्विन रूम्स हैं। तो ऐसा है, इनका वॉशरूम छोटा सा है लेकिन काफ़ी साफ है। हेयर ड्रायर है और यहाँ पे नहाने का है, गर्म पानी आता है, लेकिन पानी का या तो बहुत गर्म आ रहा था या तो बहुत ठंडा आ रहा था। थोड़ी देर बाद थोड़ा फिर बराबर हुआ और आपको बॉडी वॉश और शैम्पू भी मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन है बाथरूम का, छोटा सा है लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा है, और बस यही है। चलो अब चलते हैं, बस लेते हैं सिटी सेंटर के लिए। हम लोग को यहाँ से केएल सेंटर जाना है और फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ चलना है। अगर आपको चेकआउट करने के बाद बाहर घूमने जाना है और आपको लगेज यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर लगेज रूम भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यार कुछ ऐसा दिखता है लॉकर्स, और इसका मैंने पे किया है 35 रिंगिट्स 12 घंटे के लिए। तो कल रात को मैं आया कुआलालंपुर, करीब करीब 1 बज गए थे रात के। तो मैंने तो वैसे सिटी सेंटर पे हॉस्टल बुक कर रखा था, लेकिन जो बसेस शुरू होती है सिटी सेंटर के लिए वो थी 4:45 AM से। और उसके बाद जो मैंने हॉस्टल भी बुक किया था वो मैंने 2 दिन के लिए किया था, हालांकि मैं यहाँ सिर्फ 1 दिन के लिए हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी बाली से। तो 2 दिन के लिए बुक किया था, तो मैंने मुझे यहाँ पर यह दिखा, तो हॉस्टल मैंने पेमेंट किया नहीं था वहाँ का, तो उसमें फ्री कैंसिलेशन भी था, तो मैंने सोचा कि मैं यही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है 3 घंटे का लगता है 165 रिंगिट, 6 घंटे का लगता है 175 रिंगिट, और 12 घंटे का लगता है 185 रिंगिट। तो ऐसा सीन है, तो मैंने ले लिया 12 घंटे का, तो मुझे रात के 2 बजे से लेके अभी दोपहर के 2 बजे तक का मिला है एक्सेस, और काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर सब कुछ। एमिनिटीज़ हैं, मेरे को इन्होंने स्लीपर्स दिया और टॉवेल वगैरह दिया, सब कुछ है। बाथरूम भी काफ़ी क्लीन है और एसी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो ऐसा सीन है। तो आप लोग भी अगर चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो, ये हर जगह है। अगर आपका ट्रांजिट भी है, मतलब अगर आप इमिग्रेशन क्रॉस भी नहीं कर रहे हो, तो ये एयर साइड में भी है। ये मैं अभी जहाँ रुका हूँ ये लैंड साइड में है, यानी मैं इमिग्रेशन क्रॉस करके आया हूँ, लेकिन ये एयर साइड में भी है, तो आप उस तरफ भी जा सकते हो। अगर आपका लंबा ट्रांजिट है 5-6 घंटे का है, तो आप 3 घंटे का ले सकते हो 165 रिंगिट में। और ऑल्सो अगर आपके पास इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस है, जैसे मेरे पास नियो ग्लोबल का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, तो उसमें अगर आप 50,000 से ज़्यादा खर्चा करते हो तो आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलता है, तो आप उससे भी ये एक्सेस कर सकते हो 3 घंटे के लिए। तो ये मेरे को नहीं मालूम था, ये तो मैंने अभी चेक किया तो मुझे को भी पता चला, लेकिन ठीक है, मैंने मेरे को 12 घंटे के लिए चाहिए था, उसमें 3 घंटे के लिए मिलता है, तो आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो इस जगह को। तो बस यही है, अब तो 1 दिन के लिए हूँ मैं कुआलालंपुर पे। कल सुबह 5 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो 12 बजे तक मैं आ जाऊँगा यहाँ एयरपोर्ट। बस अब चलो चलते हैं जल्दी से, और कुछ जगह कवर करेंगे कुआलालंपुर में, और फिर वापस रात को आते हैं एयरपोर्ट।